राधा स्वामी। दो शब्द सुने कबीर साहब कहते हैं, दुनिया में कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि दुनिया जब तक हम मन में हैं, मन के लेवल पर हैं, हम दुखी रहेंगे। और हम सब मन के अधीन हैं, अपने अधीन कोई भी नहीं है। सब उनका कौन सुखी है, मन जीते। संत सुखी हैं मन को जीत कर, उन्होंने मन को समझा। परंदया जी महाराज ने भी यही कहा कि जब तक मुझे मन की समझ नहीं आई, मैं भी दुखी रहा, भटकता रहा, दादा दयाल को लिखता रहा, मुझे अपना रूप दिखाओ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ। और मैं ये समझता था कि मेरा रूप लोगों के अंदर प्रकट होता है, जब उनसे पता चला कि उनके अंदर मैं तो जाता नहीं हूँ, तो मुझे ज्ञान हो गया कि मेरे अंदर भी कोई नहीं आता, मेरा मन था। तब मन को समझे मेरे दाता, क्या कहा मैंने। तो जितना भी ये संत मत है, संत मत या गुरु मत है या सनातन धर्म है, तीनों में कोई अंतर नहीं है। तीनों ने ही हमें आदेश दिया कि मन से आगे जाओ। गायत्री मंत्र में यही लिखा है कि प्रकाश में जाओ, प्रकाश को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। लेकिन हमने तो मन को बनाया हुआ है, मन जिधर कहता है उधर चल पड़ते हैं, क्या कहा मैंने। तो अब सवाल पैदा हो गया कि इसका फिर हम दुनियादार हैं, हम संसार में रहते हैं, गृहस्थी हैं। इसने पढ़ा ना शब्द के मेरी किश्ती मझधार में है, पार लगा दो, आपने मेरी बाह पकड़ी है, पार लगा दो, यही कहा ना। तो बाह उसने पकड़ी है तो फिर विश्वास करो कि वो मुझे पार लगा देगा, क्या कहा मैंने। अब मैं आपको एक शब्द सुनाता हूँ मैं, जिसमें केवल स्वामी जी महाराज ने, दादा दयाल जी महाराज ने सत्संग की महिमा गाई है। अब सत्संग में कौन जाएगा, सवाल तो ये है, सत्संग में कौन जाएगा। अब मेरी बात को, हम हैं कलयुगी इंसान, साइंस का जमाना है। बाबा फकीर जो बात कहते थे, वो कहते थे ये साइंस का जमाना है, लोग सवाल करेंगे, मैं साबित करता हूँ। हमारा शरीर जो है, हमारा जो शरीर है, इसमें से एक नज़र ना आने वाली वेव्स निकलती हैं। वेव्स चलते लहरें, जिसको अंग्रेजी में रेडिएशन कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में वाइब्रेशन कहते हैं। हमारे शरीर में हरकत होती है और वाइब्रेशन निकल रही है, बाहर को जा रही है। एक हमारे शरीर की वाइब्रेशन है, हमारे शरीर की लहर है, उसकी सीमा है, वो दूर तक नहीं जाती। दूसरी हमारे मन की लहर है, मन की लहर बहुत दूर तक जाती है, जहाँ तक इसे किसी को देखा है वहाँ तक ये लहर पहुँचाएगी। जहाँ भी कोई आदमी जिसको आपने देखा है, अगर वो बॉम्बे में बैठा है तो तुम्हारी लहर वहाँ पहुँच जाएगी, अगर वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है तो ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाएगी। जहाँ भी तुम्हारा प्रेम है, जिसको देखा है, वहाँ तक तुम्हारी अप्रोच चली जाएगी। इसका मैंने तजुर्बा किया हुआ है। मेरा भाई, मैं किसी चीज़ को बताने जा रहा हूँ, वो दुबई चला गया, तो दुबई चला गया, चिट्ठी पत्री होता था, चिट्ठी डाल दो, 10 दिन के बाद चिट्ठी आ जाती थी, नहीं तो नहीं आती थी। तो मैंने अभ्यास किया तो मैं ये देखना चाहा मन से लेवल पर कि मेरा भाई का मकान कैसा है। मैं अपने आप की बताता हूँ, तो मैंने क्या देखा कि वो सागर के किनारे है, वो सागर के किनारे रहता है, मकान ऊपर है और सागर की तरफ उसका मुंह है। मैंने उसको चिट्ठी लिखी, मैंने कहा बेटा, मैंने तेरा मकान देखा है, तेरा मकान सागर के किनारे पर है और उसका मुंह भी सागर की तरफ है, क्या ये ठीक है। उसने लिखा कि भाई ये बिल्कुल ठीक है, हम सागर के किनारे रहते हैं, मकान भी वही है, और हम जो शिप हैं, जो बड़े बड़े शिप हैं, उनका ठेका लेते हैं और उनको रंग करवाते हैं। मेरे को विश्वास हो गया कि हाँ, मन वहाँ जा सकता है, आत्मा इससे थोड़ा और आगे जा सकती है, जहाँ तक प्रकाश है। और जो हमारी सुरत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो बेहद है। अब सवाल पैदा होता है कि ये संतों ने जो संत मत की परंपरा चलाई है, उसमें कौन आएगा। मैं कुछ बात कहने लगा हूँ, उसमें केवल वो आएगा
जिसकी वाइब्रेशन उस आदमी के बराबर है जो बोल रहा है। अशोक आप समझे, जिसकी संगत में आप जा रहे हो उसके शरीर से एक वाइब्रेशन निकल रही है। अगर उसकी वाइब्रेशन आने वाले की उसके शरीर के साथ मेल खा गई तो वो जुड़ जाएगा, नहीं तो वो छोड़ कर चला जाएगा। बात बड़ी समझ गए। आम आदमी सत्संग में जो सत्संग है, मैं उसकी बात करता हूं, मैं मनोरंजन का जो कारोबार चलता है या जिसके ऊपर पब्लिसिटी बहुत की जाती है या जिसमें नाच किया जाता है, गाने गाए जाते हैं, वहां का लेवल बहुत नीचा है, वो सत्संग नहीं है, वो मनोरंजन की बात है। यहां मनोरंजन की बात नहीं है, जहां मन के ऊपर की बात कही जाती है, केवल वो लोग सत्संग में आएंगे जिनका लेवल उनके बराबर है। बात को पकड़ा आपने, दूसरा चले जाएगा, दूसरा कहेगा बाबा धोखा पीता है, दूसरा कहेगा कि वो तो कुछ और ही बोल रहे हैं, वो तो हमारी कोई बात ही नहीं सुनते। बात समझ गए ना। तो सत्संग में कोई भाग्यशाली ही जाएगा, दूसरा जा नहीं सकता, आएगा चला जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। मेरे साथ भी कई प्रोफेसर आए, एक दफा आए चले गए, दोबारा नहीं आए। एक प्रोफेसर थे जो शिमला के हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स थे, मेरे घर भी वो आते थे, बड़ा प्रेम था हमारा। वो बेचारे शिमला में जो वहाँ पहाड़ गिरा और उसमें वो दो एमी अभी भी मारे गए, उनका बच्चा भी मारा गया, किसी को कोई पता नहीं लगा। बात समझ गए, वो दोनों बहुत दुख हुआ मुझे। बात समझ गए मेरी। तो अब मैं कहने जा रहा हूँ कि सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। क्या कहा है संतों ने, कहा हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, ना सुख बिच गृहस्थ दे ना ये छड़ गया, ना गृहस्थ सुख हैगा ना छड़ के सुख हैगा, कह नहीं दिता। योगी दुखिया संगम दुखिया, कहा था कह दिया शिव जी ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखिया वो भी दुखी है बेचारे, क्योंकि उनको ड्यूटी मिली हुई है कि जय काम तुमने करना, उनका कल्याण हो ही नहीं सकता, वो दुखी है। सन्यासी दुखिया, बैरागी दुखिया, कौन सुखी? मन जीते जिन दुखिया वो सुखिया। तो मन कहाँ दुखी कहाँ जाएगा? सत्संग में जाकर पता लगेगा। कैसे पता लगेगा? मैं आपको तो बुजुर्ग हमारे कहा करते थे, ना दुख से ना सुख बिच गृहस्थ दे ना ये छड़ गया, जा फिर सुख बिच विचार दे, विचार करना कि क्यों हुआ मुझे दुख, जा सुख बिच विचार दीजिए संता शरण प्या, जा संतों की शरण में पड़ जाओ। बात समझ गया। लेकिन संतों की शरण भी लेना कोई आसान बात नहीं है, ये भी मैं बता देता हूँ। कोई गुरु और चेला जा रहे थे, बारिश शुरू हो गई, आगे नदी आ गई, नदी पार करनी थी, पानी चल रहा था, तो गुरु जी आगे आगे चेला पीछे साथ, चेला कभी आगे नहीं चल सकता। तो गुरु जी ने कहा बेटा मेरा बाँह पकड़ ले, पानी बहुत तेज आ रहा है। उन्हें बाँह नहीं पकड़ी, उन्हें बाँह नहीं पकड़ी, फिर आगे चले, फिर कहा पुत्र पानी ज्यादा आ रहा है, मेरे अपनी बाँह पकड़ ले मेरी, नहीं पकड़ी। जले बहुत बड़ी छल आई ना ज्यादा, तो गुरु जी ने उनकी बाँह फाड़ ले, गुरु जी ने बाँह फाड़ ले, पार निकल गए, खड़े हो गए। बच्चा मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि मेरी बाँह फाड़ ले, मेरी बाँह फाड़ ले, तूने क्यों नहीं पकड़ी? कहने पिताजी मैं क्या बताऊँ, मुझे डर था, मेरे भय था, मुझे भ्रम था कि मेरे से कहीं बाँह छूट ना जाए। अब आपने पकड़ ली तो मुझे पूरा विश्वास हो गया, अब मैं पार हो जाऊंगा, मैं पार हो गया। क्या कहा मैंने? यहाँ भी कहा है कि आपने मेरी बाँह पकड़ी, मेरी लाज रखो। कबीर साहब ने भी ये कहा है, मेरे सतगुण पकड़ी बाँह नहीं तो मैं बह जाता। वो भी मानते इस बात को कि गुरु का बाँह पकड़ी हुई पार हो जाता है। और मैं कहता हूं, मैं भी कहने का हक रखता हूं कि मेरे बाबा जी ने बाँह पकड़ ली, मैं तो उनको जानता भी नहीं था और मुझे यहां पहुंचा दिया, जी उनकी कृपा है, उन्होंने बाँह पकड़ी हुई है, मुझे नहीं पता कहाँ ले जाना है, मुझे चिंता ही नहीं, कहाँ जहाँ मर्जी ले जाए उनकी मौज है। बात समझ गए, गुरु बाप पकड़ ले फिर कोई चिंता नहीं। इसलिए वो मुझे कहा करते थे,
धर्मशाला जब आते, बेटा तुम्हें नहीं पता मैं तेरे पास क्यों आता हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि उन्होंने मेरी बाँ पकड़ी हुई है। बात समझिएगा मेरी, गुरु की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन कब, जब सत्संग की महिमा जान जाओगे। पढ़ो जय शब्द, पढ़ो दाता ध्यान का। सत्संग सब कुछ करता है, सत्संग हमारे मन को संसार में जीने का राज बताता है। सत्संग में अगर कोई सत्संग के लिए आता है तो काम बनेगा, अगर दुनियादारी के लिए आता तो फिर नहीं। फिर बाबा जी क्या करते थे, तुम तो भिखारी हो, भिखारी की कौन इज्जत करता है, मांगने के लिए आते हो, कोई इज्जत नहीं, कुछ ना मांगो, उसने सब कुछ पहले ही दिया हुआ है। क्या कहा मैंने, पढ़ो। सत्संग काज बनाई साधो, सत्संग काज बनाए। कौन सी काज बनाई, दादा ने यहां नहीं लिखा, दादा ने आगे संगत का प्रमाण दिया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सत्संग से ही काज बनता है। क्या, हमारे मन को नया रास्ता जीवन गुजारने का मिल जाता है। तुम्हारा मन एक लाइन पर चल रहा है, तुम्हारा मन ने एक चीज को मान लिया कि यही ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं है। जब सत्संग में जाओगे तुम्हें विवेक हो जाएगा कि मैं तो गलत रास्ते पर था, मैं गलत संगत में था, मेरा खाना पीना गलत था, मेरा देखना भी गलत था, मेरा सुनना भी गलत था, मेरी कंपनी गलत थी, इसलिए मेरा जीवन बर्बाद हो गया। क्या कहा मैंने, वो काज क्या बनता है कि तुम्हें सतगुरु की संगत में जीने का राज मिलता है। वो परमात्मा की बात छोड़ो, दुनिया तो डंका यही बजाती है, आ जाओ हम आपको परमात्मा बना देंगे, हम आपको ये कर देंगे, हम आपको, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई गुरु किसी को कुछ नहीं दे सकता। तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी लगन, तुम्हारा इश्क, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी विश्वास, गुरु को सब कुछ मिल जाता है। क्या कहा मैंने, गुरु आदमी हो ही नहीं सकता, उसका वचन गुरु है, गुरु का वचन जो है वही सब कुछ है। इसलिए बाबा फकीर जी जहां से कहा करते थे, दादा ने तो लिख दिया, तू तो आया नरदेही में धर्म फकीर का भेषा, गुरु को मुखिया को अपने अंग लगा के ले जा गुरु के जैसा, मैं इस अंग से लगा लूं तुम्हें, तुम तो मुझे दबा दोगे, मेरा अंग तुम्हारा शरीर नहीं है, ये शरीर मेरा अंग नहीं है, मेरी वाणी गुरु है। और यही गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में लिखा है, वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे, लेकिन हमने वाणी को भी ताक पर रख दिया है, हम वाणी को भी नहीं समझते, हम वाणी पर भी नहीं चलते कि वाणी क्या कहती है, उसको पकड़ो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए क्या काज बनाया कि सत्संग में मुझे जीने का राज मिल गया, दुनिया में कैसे रहना है, दुनिया में कैसा चलना है, दुनिया में जो काम दिया गया वो कैसे करना है, वो राज मिल गया। आगे चलो। सत्संग काज बनाई साधो, सत्संग काज बनाए, कहा चंदन का रेड़बा पुरो, कहा चंदन कहा रेड़बा पुरो, बास सुबास सुहाए। अगली लाइन, का संगत का परे ताप महातम, संगत का परे ताप महातम, चंदन रेण कहाए, चंदन रेण कहाए। वो कहते हैं एक वृक्ष होता है रेण, अरिंद जिसको बोलते हैं, एक होता है चंदन, चंदन का जो वृक्ष है ये मेरे इंडिया में पता नहीं कहीं होगा, जंगल बहुत हैं, बाहर के मुल्कों में चंदन बहुत है, तो चंदन के नजदीक जो भी वृक्ष आ जाता है नजदीक, जैसे इन्होंने बोला कि रिंड का किसी काम का वृक्ष नहीं है, वो भी चंदन के पास उग पैदा हो गया तो उसकी बास भी उसको मिल गई,
उसका रंग भी उसको मिल गया, उसकी खुशबू भी उसको मिल गई, मतलब अच्छी संगत में अच्छा ही प्रभाव होगा। वाइब्रेशन काम करती है। क्या कहा बाबा कीजिए, यही तो कहते थे कि अगर तुम्हारी लेडीज, मैं मेरे पाँव को तुम हाथ लगाते हो मुझे पता लग जाता है कि तुम कैसा हो, ऐसा वो कहा करते क्योंकि ऊंची शरीर में रहते थे, असर होता है शरीर के ऊपर असर होता है। तो ऐसे ही संगत का बहुत बड़ा असर होता है, जैसा हमारे एक दादा दयाल जी ने लिखा कि चंदन के वृक्ष के पास जो भी कोई वृक्ष होगा उसमें भी चंदन की खुशबू आएगी। तो संत के साथ जुड़ करके असर नहीं होगा, निर्लेप महापुरुष के साथ असर नहीं होगा, जो मन में नहीं रहता क्या उसका असर नहीं होगा, हो के रहेगा। मगर तुम जाओ इस ख्याल से कि मुझे अंदर से कुछ मिल जाए, वो मिल जाएगा। आगे चलो। कहा गंगा कहा नदी और नाले, कहा गंगा कहा नदी और नाले, ना मैलो नीर बहाई। क्या है? कहा गंगा कहा नदी और नाले, मैलो नीर बहाई। अब देखो आप पढ़ के नीचे है, ऊपर को मुंह करके मेरे को बताओ क्या कहते हैं सर। इसके आगे नीचे वाला कहां गंगा कहां नद और नाले, कहां गंगा कहां नद और नाले, मैलो नीर बहाई। मेरे अभी मशीन काम नहीं करती पूरे। कहां गंगा कहां गंगा कहां गंगा कहां नद और नाले, मैले नीर बहाई। कहते हैं गंगा कितनी पवित्र है, कितनी नदियां हैं, कितने नाले हैं गंदे गंदे, और वो जब जाके गंगा में मिल जाते हैं तो फिर क्या होता है, वो भी गंगा बन जाते हैं। क्या कहा मैंने? छोटी छोटी बात मेरे तक तुम आज पहुंचा नहीं सकते, क्या बात है। वो कहते हैं गंगा में मिल गंगा बहे हैं, संगत का गंगल की अधिकाई, ये संगत का कारण है। गंगा के साथ मिल गए गंगा हो गए, चंदन के पास दृक्ष लग गया वो चंदन का खुशबू देने लग गया, ये किसका फर्क है, ये संगत का कारण है। आगे वो कहते हैं कहाँ सुदामा लंक भिखारी, कहाँ गोपाल गसाई। पढ़ के सुना दो यार, आगे आ जाओ। सुदामा जी क्या थे? गरीब पंडित, खाने को नहीं रोटी होती थी, लेकिन था बड़ा सच्चा सुच्चा। और कभी उन्होंने शिव कृष्ण भगवान के साथ संदीपनी गुरु के आश्रम में इकट्ठे शिक्षा प्राप्त की थी। थोड़ा सा ये भी बता दूं, वहाँ शिक्षा प्राप्त की थी। तो वो तो राजा बन गए कृष्ण भगवान, और उधर सुदामा गरीब बन गया, ये भी क्यों कारण था ये भी बता देता हूँ आपको। बाबा फकीर ने बताया ये दोनों गुरु भाई थे कृष्ण और सुदामा, तो दोनों लकड़ियां जंगल से काट के लाया करते थे रसोई के लिए। तो एक दिन दोनों लकड़ियां काटने गए, दूर निकल गए, तो माता जी ने उनको चने दे दिए गांठ में, सुदामा की गांठ में चने बांध दिए कि जब भूख लगे तुमने खा लेना। तो रात पड़ गई, तो अब कैसे आए वापस, तो दृक्ष पर बैठ गए दोनों कि अब रात यही काट लेते हैं। सुदामा तो बड़ा खुश हुआ कि चले मेरे पास हैं, वो एक डाली पर, कृष्ण जी दूसरी डाली पर। तो सुदामा के पास तो चने थे, वो खाने लग गया, तो कृष्ण बोला सुदामा ये कड़कड़ क्या हो रही है। उसने ये नहीं कहा कि मैं महाराज चने चबा रहा हूँ तुम भी ले लो,
महाराज ठंड लग रही तो मेरे दांत कांप रहे हैं, चने खा गया। बाबा फकीर ने कहा कि सुदामा ने कृष्ण के साथ धोखा किया, अकेले चने खा गया और उसको गरीबी मिली। क्या कहा मैंने, ये बाबा फकीर ने बताया हुआ है, ये दादा जाती में लिखा है कि सुदामा को गरीबी इसलिए मिली। और फिर जब उसकी पत्नी ने उसको कहा कि तुम जाओ, तेरे दोस्त थे कृष्ण भगवान हैं, राजा हैं, कुछ ले आओ, तो उन्होंने उनको अपने गले लगाया। ये क्या था, दोस्ती, अच्छी संगत। कृष्ण की संगत में जाकर क्या हाल हुआ, मकान नए बन गए, महल बन गए, कमी दूर हो गई, सब कुछ हो गया, ये इसमें लिखा हुआ है। पढ़ेंगे आप मेरी तरफ मुंह करके। कहां सुदामा रंग भिखारी, कहां गोपाल कनाई, कहां कृष्ण और कहां सुदामा। हाँ। उत्तम संग उत्तम बन आओ, संगत की प्रभुताई। किसकी प्रभुताई हुई, संगत की प्रभुताई। जब उसकी पत्नी ने वहां भेजा कि जाओ वहां जाकर उनसे मिलो अपने दोस्त से, तो उन्होंने उसको गले लगा दिया। क्या कहा मैंने आगे, काठ की नाव का बेड़ा बना है, बोझा लो गबड़ाई। आगे, काठ के संग लोह तर जाए, देखा अचरज भाई। अब वो कहते हैं दाता दयाल जी महाराज एग्जाम्पल देते हैं, मैं असल से देखता हूँ, अजीब और गरीब देखता हूँ कि लकड़ी का तो बना हुआ है बेड़ा और उस पर कितने बन लोहा रख दो वो उसके संग पार हो जाता है। अगर लोहा इतना सा भी पानी में फेंको ड्रम डूब जाएगा, तो लोहे ने लकड़ी का संग लिया तो वो भी पार हो गया। और ऐसे ही अधम से अधम, पापी से पापी, बुरे से बुरा इंसान अगर गुरु की संगत में आ जाए तो वो उतार जाता है। मुझे एक बात याद आई, महाराज जी बॉम्बे गए, बॉम्बे एक मुसलमान, उसका नाम मैं भूल गया, बहुत बड़ा काम है, उसके जाकर आया, मैं उसका फंक्शन देखा, तो उसमें हर तरह के आजाद रसूल, उसका नाम था आजाद रसूल, याद आ गया, तो आजाद रसूल उसका नाम था, वो महाराज जी के संगत में बॉम्बे आया। ना जाने उसमें क्या क्या ऐप थे, एक सत्संग सुना और उसके सारे ऐप खत्म हो गए, वो सिंपल हो गया। फिर मानवता मंदिर आया, यहाँ आया, महाराज जी से मिला, मैं भी मिला उसको, उसने मुझे अपना एड्रेस दिया। मैंने कहा आजाद अगर मैं कभी बॉम्बे आया तो जरूर तुम्हें मिलूंगा। तो उसने फिर बाद में हर रोज कहता था कि 2 रुपए के मैं फूल बाबा जी के चरणों में बेचता हूँ, भेंट करता हूँ, और जहाँ मंदिर में भी वो पैसे देता था। एक ही सत्संग सुनने से उसके सारी बुराइयाँ दूर हो गईं। और जब मैं एक दफ़ा बॉम्बे गया प्रोफेसर के साथ, लड़कों के साथ, तो मैंने उसका एड्रेस लिया हुआ था, बारिश बहुत हो रही थी, हमने 3 मीटर किया, फिर मैं उसकी फैक्ट्री गया, बड़ा उसने स्वागत किया, बड़े प्रेम से मिला, कहता मैं तो तर गया, बाबा फकीर के एक ही शब्द ने मुझे पार कर दिया संगत। उसका टाइम आ गया, उसका वक्त आ गया था, हर चीज का वक्त होता है, कल जो वक्त था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। एक कहानी में और पढ़ी दादा दयाल की महाराज की उर्दू की किताब, यहाँ से इसने मुझे दी निकाल कर, उसको मैं पढ़ता गया, उसमें महाराज जी की वार्तालाप है दादा दयाल के साथ। तो एक कहानी आई उसमें कि एक बहुत बड़ा शाहूकार था, बहुत बड़ा शाहूकार था, वो किसी को मानता नहीं था, काम को मानता था, धन को मानता था, दौलत को सब कुछ मानता था, तो किसी मंदिर में नहीं जाता था, कहीं नहीं जाता था, हाँ देवी देवताओं को जरूर वो मानता था। तो एक उसके गांव में मंदिर था,
वहां कोई पंडित आया, पंडित आया तो वहां कोई नहीं जाता था, लोग जाते थे मत्था टेकते थे चले जाते थे। तो उसने खुद ही भागवत गीता को जोर जोर से पढ़ना तो लोगों में आस्था पैदा हो गई। वो वहां कुछ जाने लग गए, 2, 4, 6, 10, 12 धीरे धीरे बहुत लोग वहां इकट्ठे होने लगे। तो उसका लड़का एक विद्वान था, उसने कहा पिताजी आप भी वहां जाओ, सत्संग सुना करो, मुझे भी आज्ञा दो, मैं भी जाना चाहता हूँ। कहते क्या रखा है, 2 घंटे वहां खराब करोगे, दुकान खराब होगी, ग्राहक चले जाएंगे, ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा, वो माना नहीं। तो एक दिन एक लड़का उसका जो था वो चला गया, वो चला गया। उसने सुना तो उस दिन पंडित जी ने बताया कि जितने भी देवी देवता हैं उनका साया नहीं होता, उनका शरीर भी नहीं होता, ये नहीं है, वो हवा के रूप में होते हैं, उनका कोई साया नहीं होता, हवा के रूप में होते हैं, वो शक्ति है, वो जहाँ जाते हैं चले जाते हैं, जहाँ कुछ काम करना कर लेते हैं। ये कथा उसने सुना दी तो लड़का सुन के आ गया। तो डाकुओं ने सोचा कि इसके पास बहुत बड़ा पैसा है, तो किसी ने देवी का रूप बना लिया, किसी ने शिव का रूप बना लिया, किसी त्रिशूल बना लिया, तो वो उसका डाका मारने चले गए। तो जब उसने देखा वो सहम गया, वो बोला नहीं, डर गया कि देवी देवता आ गए, अब मैं नहीं उठ सकता, मैं बोल ही नहीं सकता, ये लूट के सब कुछ ले जाएंगे, ये मेरे से नाराज हो गए हैं, ऐसा ऐसा विचार आया। तो लड़के भी जाग गया, जब खड़खड़ सुनी तो लड़के ने शोर मचा दिया कि चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए, सब कुछ ले चले, तो डर कर भाग गए। अब लड़के को लड़सुआ कहता लाला, कहता बच्चा तूने तो सारा सामान बचा लिया, तुमने शोर मचाया, मैं तो डरता बोलता ही नहीं था देवी देवताओं से कि जो शिव जी है, जो देवी है, से वो है। कहता पापा ये ज्ञान मुझे वहां से मिला, सत्संग से मिला कि उनका साया नहीं होता, मैंने उनका साया देखा, जब मैंने उनका साया देखा तो मुझे पक्का लग गया कि ये चोर है, ये देवी देवता नहीं है, तो इसलिए मैंने शोर मचाया, ये दाता दयाल जी ने लिखा है। संगत, संगत का असर हो गया ना, तो संगत का असर दाता दयाल ने मुझे एक मिसाल में दिया जी, मैंने खुद पढ़ा, 3 दिन हो गए पहले उर्दू में पढ़ा, सारी किताब पढ़ी, आखिर में उन्होंने ये शब्द दिया, संगत बहुत बड़ी चीज है, बिशर्ते कि तुम संगत में संगत के ख्याल से जाओ। आगे कहां बालू कपी निश्चर पापी, कहां राम सुखदाई, कहां बालू कपी निश्चर पापी, कहां राम सुखदाई। बालू कपी निश्चर पापी कहां, कहां बालू कपी निश्चर पापी, पढ़ो 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 पढ़ो, कहां बालू कपी निश्चर पापी, कहां राम सुखदाई, राम के संग राम गुण पाया, चौं दिन कीरति छाई। अब एक और मिसाल दी है दाता दयाल जी महाराज ने के बंदर रिच भालू इन्होंने की क्या क्या कीमत है, कुछ भी नहीं, लोग इनको मारते हैं, डंडे मारते हैं। तो जब वो राम के साथ जुड़ गए युद्ध में, राम के साथ जुड़ गए, तो आज हम उनकी पूजा करते हैं, हनुमान की पूजा होती है। क्या कहा मैंने, तो कहते हैं ऐसे ऐसे जीव जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जिनका कोई स्थान नहीं है प्रभास संसार में, उनका भी कल्याण हो गया जब वो राम की संगत में गए, राम की कृपा से वो भी पार हो गए। क्या कहा, ये संगत का प्रभाव है। जानवर भी देखा नहीं है, जहां संत महापुरुष बैठते हैं, बाबा फकीर जी महाराज, मैंने ये शिवबाड़ी देखी गगरेट के 2 मील ऊपर है, बहुत बड़ा जंगल है, उसमें एक मंदिर भी है। तो बाबा जी कहते हैं हम बचपन में जहां जाए उनके उस शिवाड़ी से 2 किलोमीटर नहीं 1 किलोमीटर होगा गांव पंजाल,
मैं जब जहाँ पद्म जी महाराज मेरे भाई जी आए तो मैंने उनको पूछा, भाई मैं पंजाब जाना चाहता हूँ, आपके मकानों की फोटो लाना चाहता हूँ, मैं वो जन्म स्थान देखना चाहता हूँ जहाँ मेरे सतगुरु महाराज ने प्रकाश हुआ। कहते महाराज वहाँ कुछ भी नहीं है, वो ढेर हो गया सब कुछ, लोगों ने कब्जा कर लिया है। बात समझ गया ना, चले जाते हैं तो कोई भी प्रभाव करता, वहाँ कुछ नहीं है। तो दादा कहते थे कि हम बचपन में वहाँ जाया करते थे, मेला लगता था, तो वहाँ जो संत रहते थे उनके चारों तरफ सांप घूमते रहते थे, बड़े बड़े हीरे हरे सांप भी देखे हमने। तो वो जब उनके पास रहते थे फिर वो कहते अच्छा अब तुम जाओ, संगत ने आना है मिलने के लिए, तो वो चले जाते थे। तो जहाँ संत होता है वहाँ कोई जानवर भी किसी को तंग नहीं करता, क्योंकि वो निर्लेप होते हैं, उनका सबके साथ एक प्यार होता है, उनका ये नहीं कि धनी आगे आ गए तो गरीब पीछे चले जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ उनकी संगत कोई भी आ जाए, एक ही संगत उनकी होती है, एक ही उनका व्यवहार होता है, एक ही उनका वचन होता है, और एक ही सद्भावना होती है कि जो आए सो राजी जाए। तो वो कहते हैं संगत के प्रभाव से ये कुछ हो गया कि उनकी भी गति हो गई, निशाचर की भी गति हो गई, भालू की भी गति हो गई, ऋषि की भी गति हो गई। किसके कारण? राम के कारण। आगे यहाँ तक कह दिया कि वो रावण जो अपने आप को सबसे बलवान चाहता था उसका भी भगवान राम के साथ दुश्मनी करके पार हो गया। तो दादा दयाल महाराज पापा की जी कहते थे अगर तुम किसी गुरु से प्यार नहीं करते तो कम से कम दुश्मनी कर लो। तुम दुश्मनी कर लो, उसको बुरा समझ लो कि वो बुरा है, तो तुम्हें हर वक्त उसकी याद आती रहेगी, तुम उस याद से पार हो जाओगे, ऐसा भी उन्होंने कहा हुआ है। आगे बढ़ो। कहां कीट निर्वल दुख यारा, कहां भृंगी सुखदाई, कहां कीट निर्वल दुख यारा, कीट कीड़ा, कौन कीड़ा, कीड़ा कहां कीट निर्वल दुख यारा, कहां भृंगी समुदाई, कीट भृंगी भई संगत के बल, मेहमा बरनी ना जाई। कीट और भृंगी, कीट और भृंगी भृंगी कीड़ा, पापी कीड़ा मिट्टी में मिला हुआ है, गंदगी में पड़ा हुआ है। देख कितनी बड़ी संगत बता रहे हैं दाता श्याम। भृंगी का ये कीड़ा होता है जो पानी में गंदगी में पड़ा होता है। भृंगी आप लोगों ने देखी, मैं तो देखी है, हमारे घरों में घर बनाए होते थे खिड़की के साथ, कोई दरवाजे के साथ बाहर, वो मिट्टी लानी उसने और धीरे धीरे मिट्टी का गोल ऐसे ऐसे घर बना देना, ऊपर से खुला रख देना और उसमें एक कीड़ा लाके रख देना, और फिर वो उसके ऊपर बैठी रहती थी दिन को, सारी रात पे ही बैठी रहना, नहीं उठती थी। ये मैंने देखा हुआ है। वो कुछ कहती थी, क्या कहती थी ये कान नहीं जानते, अब तो कान ये भी नहीं सुन सकते, उसको क्या सुनना। बात मेरी समझ गए? तो वो उसकी संगत में रहकर उसकी आंखें तो होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन उड़ नहीं सकता था, पंख नहीं थे, बैठा वही ध्यान करता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये आवाज कहाँ से आ रही है। उस आवाज को सुनते 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 वो भृंगी का रूप बन जाता है, और फिर भृंगी उड़ जाती है, वो उस मकान को ढाकर बाहर आ जाता है। क्या कहा मैंने? भृंगी, ये भृंगी का हाल है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं जो समझा, तुम जिसका ध्यान करोगे, तुम जिसका भी ध्यान करोगे उसकी सिफ्त उसके गुण आप में आ जाएंगे। ये नहीं कि तुम उसका रूप बन जाओगे, अंदर से तुम उसका रूप बन जाओगे, बाहर से नहीं। भृंगी का तो बाहर से भी रूप बन गया ना, क्योंकि उसकी लगन और थी,
उसके अंदर मन नहीं था। हमारा मन हमें गुमराह करता है, हम ठहरते नहीं हैं। हमारे अंदर कभी ना कभी कोई ना कोई विक्षेप, कोई संदेह अवश्य पैदा होता है। अपने आप को देखो, तुम अपने आप को देखो, तो वो संदेह हमें गिरा देता है। उसको संदेह नहीं, वो तो पड़ा है, ध्यान लगा हुआ है और वो ही रूप बन गया। इसलिए गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। तो दुनिया ने तो क्या समझा कि गुरु आ गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, गुरु महाराज आ गए, दर्शन हो गए, तर गए। ऐसा नहीं, हजूर राय सागराम साहब ने खुद लिखा है कि बाहर के दर्शन से तुम्हें वो सुकून नहीं मिलेगा, वो शांति नहीं मिलेगी, जो तुम्हारे अंदर गुरु आएगा, वो तुम्हारा मन है, उससे तुम्हें शांति मिलेगी, उसी से तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा, वो तुम्हें गाइड करेगा। वो गुरु तुम्हारा अपना ही मन है। इसलिए ऐ इंसान, तेरा गुरु तेरा अपना ही मन जब हो जाएगा तो तू पार हो जाएगा। जब तक तू दूसरी तरफ चला हुआ है कि गुरु मेरा वो है, गुरु मेरा वो है, नहीं मिलेगा। इसलिए तो कबीर ने एक शब्द में कह दिया, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, क्योंकि उन्होंने समझा मेरा गुरु वहां है। कोई कहीं दौड़ा हुआ है, कोई कहीं दौड़ा हुआ है, कोई कहीं दौड़ा हुआ है, और उसने कहा हमारा यार है हम में, हम उनको बेकरारी किया। वो वही है, आपके अंदर है। क्या कहा मैंने? इसलिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि संगत करनी कैसे है। संगत करने का ढंग है कि थिर कर बैठो, अपना ध्यान वक्ता के ऊपर रखो, उसकी नजर पर रखो, वो क्या कहता है उसको सुनते जाओ और बाद में उसका चिंतन करो। जब चिंतन करोगे वो शौक पक्का हो जाएगा। हम स्कूल में पढ़ते थे तो क्या होता था, मास्टर जी जो कहते थे उसको ध्यान से सुनते थे, ध्यान से सुनते थे, ख्याल नहीं उधर उधर जाता था। तब दो बच्चे ढोलकी बजाते रहते थे, वो जीरो। स्कूल में पढ़ के देखा ही आपने भी, आपने पढ़े होंगे। तो टीचर को जो ध्यान से सुनता है वो पार हो जाता है, जो टीचर को ध्यान से नहीं सुनता मन कहीं और है, खेलने में है। मुझे मिलते कई बच्चे, लड़के लड़कियां मिलते, मेरा मन नहीं लगता पढ़ने में। मैं क्या, अपने आप से पूछो तुम्हारा मन कहाँ होता है जब पढ़ते हो, अपने आप को पूछो। उनको कहते हैं लिखो, जो लिख पढ़ो मत, लिखो ज़्यादा, लिखने से मन ठहर जाता है। राइटिंग मेक इज़ अ मैन परफेक्ट। मुझे लिखने से क्या फ़ायदा हुआ, जो बाबा फकीर जी महाराज की अंग्रेजी में किताबें मैंने लिखी अपनी टूटी फूटी भाषा में, लेकिन वो साधारण आदमी समझ सकते हैं, अंग्रेज नहीं समझ सकते, क्योंकि मैंने तो जो बाबा फकीर ने कहा वही लिखा, उसमें अपनी अंग्रेजी नहीं डाली, जो उनका शब्द है वही लिखा। डायरियों को देख देख कर, डिक्शनरियों को देख देख कर, कि कोई गलती ना मेरे से हो जाए, तो आकर पहले महाराज जी को सुनाता था वहाँ, फिर वो कहते थे हाँ भगत जी ये बिल्कुल ठीक है, इसको छापो। तब छपती थी किताबों, नहीं तो नहीं छपती थी। क्या कहा, उससे क्या हुआ, मेरा मन ठहर गया, क्योंकि मैं खो जाता था उसमें, खो जाता था, दो घंटे पता नहीं होता था मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, और मेरी भक्ति हो गई, उसको मैं अपनी भक्ति समझता हूँ। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। गुरु का संग करो निस्वासर, गुरु के रंग रंगाई। क्या कहा मैं देखो, गुरु का संग करो निस्वासर, निश्वासन में नहीं, सुबह शाम रात दिन। क्या किसी के पास इतना टाइम है कि गुरु के पास बैठा रहे? भाव को समझना, भाव, भाव क्या है? गुरु का संग निश्वासन कैसे हो सकता है? गुरु की वाणी को हमेशा अपने मन में रखो। क्या कहा मैंने, जब तक आप गुरु की वाणी को अपने समाप्त, बड़ी ताकत मिलती है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं कभी कभी, मैं दुनिया में रहता हूँ, परिवार में रहता हूँ, सीधी बात है, तो मेरा सहारा कौन है, मेरा सहारा कौन है, बाबा की, कैसे उनके लिखे हुए शब्द मेरे पास है, उनकी लिखी हुई वाणी मेरे पास है, उन्होंने जो मुझे देश दिया वो मेरे पास है। मैं जब गिरता हूं एकदम वो शब्द मेरे सामने आ जाता है,
मैं हौसला पकड़ लेता हूँ। तो गुरु मेरे संग सदा है नहले, वो तुम्हारे साथ है वाणी के रूप में, उनका शब्द तुम्हारे साथ है, तो तुम कभी घबराओगे नहीं। अगर सतगुरु ने कह दिया बच्चा हेल्थ वेल्थ एंड पीस टू यू, बताओ तुम्हें तीन चीजें दे दी, सेहत भी दे दी, ठीक है। सेहत क्यों खराब होती है, गलत खा लिया जो नहीं खाना चाहिए था। मेरा पोता कभी कभी मेरे गुरु का काम करता है, कभी कभी मेरे गुरु का काम करता है। एक दिन क्या हो गया, अपनी बेटी बताता हूं, शाम को चाय बनती है, बच्चे बादाम खाते हैं, मैं छीलने लग गया बादाम, मैं कहा मैं छील लेता हूँ, वेला बैठा हूँ, मैं छीलता गया नाले खाता गया उसे साथ बादाम खा ले जो कि मुझे नहीं खाने चाहिए। फिर चलो अगर दूध पी लेता तो भी कुछ होता, उसके पीछे चाय पी ली तो गर्मी बढ़ गई ना, कान साई साई करने लग गए। सुबह मैं को मेरे कान बड़े साई साई करते हैं, दादाजी बादाम और खा लेने थे मैंने कान को हाथ लगा लिया, कहता दादाजी अब आपका खाना कुछ बनने वाला नहीं होना चाहिए, बथेरे खा लिए, मुझे रास्ते पर ला दिया ना। गुरु मेरे संग सदा है नाले, वो किसी न किसी रूप में, बहू के रूप में, बेटे के रूप में, बच्चों के रूप में, किसी अज्ञान आदमी के रूप में तुम्हारी गाइड कर जाएगा। क्या कहा मैंने, पर तुम्हें अटल विश्वास होना चाहिए कि वो है, मन है ना, मन तो मारता है आदमी को। तो मेरी आंख खुल गई, मेरी बात समझ गए, अब मैं बादामों की तरफ देखता भी नहीं हूं क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, अधम पतत तर जाई। फिर पढ़ो एक बार। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, अधम पतित तर जाई। सब कुछ खत्म हो गया, अधम, अधम कहते हैं अज्ञानता को, अनसमझी को, मूढ़पने को, मूढ़पना जानते हैं ना, अपनी मनमर्जी करने, वो सब कुछ जब सतगुरु की कृपा हो जाती है, जब तुम्हारे ऊपर दया हो जाती है। मैं दया कई तरह की समझता हूं, पहली दया ये है कि तुम सत्संग में आए, ये उसकी दया के बगैर नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने, कितने लोग आते हैं यहाँ, होशियारपुर कितना बड़ा है कितना बड़ा है, वो ही आएगा इस मंदिर में, केवल वो ही आएगा जिसको अपना घर प्यारा है, दूसरा आ नहीं सकता। दूसरा क्या है, दूसरी दया क्या है कि सत्संग में जाकर बैठने का तरीका मिल गया कि मैं बस हूं सत्संग में हूं, दुनिया भूल जाए, दुनिया का कोई ख्याल ना रहे, ना शरीर का ख्याल रहे, ना मन का ख्याल रहे, गुरु की धूप शरीर पर साफ होना चाहिए। और कभी कभी जब सतगुरु पूर्ण गुरु उस जगह पर ठहर कर काम करेगा, जब उसकी आंख से धार निकलती है, जिसको मैंने अनुभव किया हुआ है, वो धार जब आपके अंदर चल जाएगी, तुम्हारा अंदर प्रज्वलित हो जाएगा। दूसरी दया है। तीसरी दया ये है कि तुम फिर उन गुरुवाणी के ऊपर चलते हो, जब तुम चलने लग गए फिर पूरी दया हो जाएगी। क्या कहा मैंने, इन तीनों चीजों का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन हम नहीं इस बात को समझते, इसलिए हम भटक जाते हैं। और इसलिए कहा गया सत्संग, सतगुरु और सतनाम, तीन चीजें। फिर क्या रह गया, जो शब्द तुम्हें मिल गया उसका सिमरन करो और उस महापुरुष का ध्यान करो, या जिस पर भी तुम्हारा विश्वास है। बाबा की ने तो जानकर कह दिया कि तुम्हारा राम पर विश्वास है, राम का ध्यान करो,
लेकिन उसको ये मत समझो कि वो अयोध्या में पैदा हुआ। भगवान कृष्ण को मानते हो तो उसका ध्यान करो, लेकिन ये मत समझो कि वो गोकुल में पैदा हुआ ना, उसको परम तत्व समझो तब तुम्हारा कल्याण होगा। जब तुम उनको समझोगे तो तुम संप्रदाय में आ जाओगे, तुम गुटबाजी में आ जाओगे, तुम भट जाओगे, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तीसरी बात कही कि उसको कभी इंसान मत मानो। गुरु को मानुष जानते ते नर के ये अंध, दुखी हो संसार में आगे जम का फन। वो इंसान रूप लेकर आया है वो ही वहीं से आया है। तभी तो बाबा फकीर कहा करते थे, मैं नामी धाम से आया हूं, मैं संत सतगुरु वक्त हूं। और वक्त की बात की उन्होंने, और हमें भी कह देते थे, बच्चा मैं ही नहीं वहां से आया, तुम भी वहीं से आए हो। इतना तो हमें विश्वास दे दिया उन्होंने कि तुम भी वहीं से आए हो, लेकिन हम कहां रह गए। महाराज ने कहा, मुझे मन का पता लग गया, तुम्हें मन का पता नहीं है, बस इतनी सी बात है। इस मन को समझो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए कहा बलहारी गुरु अपने, मालिक समझ गए ना, बलहारी कहा कि मेरा कोई बल नहीं है, मैं उनके बलहारी जाता हूँ, मैं उनके चरणों में बैठा हूँ, ये उनकी कृपा है, ये उनकी दया है कि जो मुझसे काम दिया है मैं कर रहा हूँ। क्या कहा मैंने, इसलिए संगत बहुत बड़ी जरूरत है। जब तुम किसी दूसरी संगत में बैठोगे तुम्हारे पास उसका प्रभाव होगा। मैंने देखा है, तुम ड्राइवरों के साथ बैठ के देख लो, वो ड्राइवरों की बात करेंगे। तुम जिम्मेदार के साथ बैठ कर देख लो, वो जिम्मेदारी की बात करेगा। तुम दुकानदार के पास बैठ के देख लो, वो दुकानदारी की बात करेगा, करेगा कि नहीं। हर इंसान जिस काम में बैठा है वो उसी काम की बात करेगा। जो महापुरुष होते हैं वो वहीं की बात करते हैं जहाँ वो रहने वाले होते हैं, और हमें जीने का राज बता जाते हैं कि बच्चा इस रास्ते पर नहीं चलना, इस रास्ते पर चलना तेरा कल्याण हो जाएगा। और बाकी ये विश्वास अगर हो जाए कि लिखा ललाट टरे नहीं टारा, भावी को मेटन हारा। नंबर वन, कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। दूसरी बात, कर्म हमारा जो है ये बलवान है, इसलिए कर्म देखना है। कर्म क्या है इसकी परिभाषा मैं बैसाखी पर बताऊंगा। ये आम दुनिया कर्म समझती है कि दुकानदारी कर्म है, पढ़ाना कर्म है, या ठेकेदारी करना कर्म है, वो कर्म नहीं है। कर्म के बहुत रूप हैं, ये मैं बैसाखी पर खोल कर बताऊंगा आप लोगों को। संगत अच्छी करो, जहाँ द्वेष है, जहाँ ईर्ष्या है, जहाँ कोई इधर उधर की बात हो रही वहाँ मत खड़े हो जाओ, वहाँ मत खड़े हो जाओ। मेरे साथ डॉक्टर रामदेव राव, उनकी बेटी और उनका दामाद और उनकी पत्नी मेरे साथ, हम गए वहाँ धाम। एक आदमी आ गया, अपने आप को आचार्य कहलाता, हम बातचीत कर रहे हैं, वो बीच में टांग अपनी उड़ाई जाए, अपनी बात करी जाए। मैंने उसको डांट दिया, मैंने कहा माइंड योर पार्ट, हम बात कर रहे हैं, तुम्हें क्या पता हम क्या बात कर रहे हैं, हैं? बड़े आचार्य अपने आप को कहलाते हैं, बहुत आचार्य हैं। कभी जहां दो आदमी काम कर बात कर रहे हो उनमें दखल मत दो, ये बहुत बड़ी अकल की बात है। मैं कानपुर गया तो जिनके घर में ठहरा उनके भतीजे की डेथ हो गई, बताया। मैं कहा कैसे हुई, कहते महाराज क्या बताऊं, कुछ भी नहीं हुआ, शादी पर गए थे, दो गुट लड़ने लग गए, लड़के दो आपस में लड़ने लग गए, उसने उनको छुड़ाना कोशिश की कि मैं ना लड़ो शादी है, और दूसरे ने उसके सिर पर मार दिया डंडा और वो मर गया। उन्होंने मुझे बताया, क्यों जाना किसी काम में, आजकल तो जहां चार आदमी खड़े वहां खड़े ना हो जाओ, वो पता नहीं कौन से ग्रुप के हैं। मेरे देश की तो हालत ही बड़ी खराब है, किसी पर तो विश्वास ही नहीं कर सकते, इंसान तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, बोर्ड, ये संगठन, ये संगठन, ये संगठन, ये से, मैं हैरान हो गया। हमारे उधर ऊना जाता हूँ, वहाँ बॉर्डर पर भी एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है,
मैं नाम नहीं लेना चाहता मां भी एक बोर्ड लिख के लगा दिया बड़ा सारा, मैं देखो क्या मूर्खता है। अरे इंसान बनो, तुम क्या बन रहे हो, क्या बन रहे हो तुम। लेकिन हमें गाइड करने वाले नहीं हैं, हमारे निचोड़ने वाले हैं, खुद पीछे रहेंगे, मरवाएंगे हमें, उनसे बचकर रहो। क्या कहा मैंने, हालात बहुत खराब आने वाले हैं, ये मेरा अनुभव कहता है। इसलिए माइंड योर वर्क, अपने काम से काम रखो, अपने बीवी बच्चों में बैठो, घर का दुख सुख देखो, अपने पड़ोसियों से प्यार करो, अपने घर से प्यार करो, अपने शहर से प्यार करो, बाकी खसम खाए दुनिया जहाँ जाती जाए, कोई अखबार पढ़ने की लोड़ नहीं। मेरे कमरे में बेटे ने टीवी लगा दिया, मैंने उसको कल कहा उसको उठा दे, मुझे नहीं चाहिए टीवी मुझे नहीं चाहिए टीवी, मेरे कमरे में टीवी नहीं चाहिए। क्या कहा मैंने क्या करना टीवी, एक लगा है, मैं क्या आपके पास बैठकर यही आधा घंटा में मनोरंजन तुम्हारे साथ देख लेता हूँ, मैंने दुनिया से क्या लेना, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये मार दिया, वहाँ कुछ नहीं है दुनिया मानवता। एक दिन ये झंडा लहराएगा मानवता का, लेकिन लहराएगा जब जब हाय हाय करेंगे लोग, त्राही त्राही करेंगे कि हाय इंसानियत खत्म हो गई। क्या कहा मैंने, तो मैं थोड़ा आउट ऑफ वे चला गया, आप लोगों ने माफ करना। सुखी रहो, अपने आप को, अपने घरों को स्वर्ग बना लो, दुनिया को छोड़ो, अच्छी संगत रखो, अच्छे लोगों में बैठो, और कोई अच्छे महापुरुष मिल जाए तो उनके चरण छू लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या कहा मैंने, आप सुखी रहो, बहुत कुछ क्या कहना है, मेरा बहुत बहुत प्यार। सुबह शाम उसको याद कर लिया करो, और दिन को राम, दिन को काम करो, दिल लगाकर काम करो, जो भी काम मिला है उसको दिल लगाकर करो, उसको मालिक का काम समझो, तुम्हें कोई कमी नहीं रहेगी। आप सबको प्यार भरी राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।